dear students, welcome to Rajni Ma'am's English class. So in this video, we are going to understand English worksheet number 18, and this worksheet is for 20th September 2021, and this is for the students of 8th class. Today we shall do the part 3 of the lesson Tsunami. We had already done so many parts of this lesson, and we have understood the concept so well. As it's written here in worksheet number 17, you read about the behavior of animals, dogs, birds, elephants, flamingos. जो हमने 17th वर्कशीट की थी उसमें हमने एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ नई नई बातें सीखी थी, समझी थी, जिसमें हमने डॉग्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एलिफेंट्स, फ्लेमिंगोज, इनके बारे में हमने वहां पर समझा था और सीखा था. सो क्या समझा था आपने? कि एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स. एनिमल्स हैव अ काइंड ऑफ सिक्स्थ सेंस एंड दे कैन सेंस द डेंजर वेरी वेल. आपको वहां पर अच्छे से ये बात समझ में आ गई थी. अब उसी से रिलेटेड आपको यहां पर एक टास्क दिया गया है ना. लेट्स सी व्हाट इज द टास्क. यहाँ पर है, फाइंड आउट एंड राइट एट लीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर. क्रीचर होता है जीव. अब जीव के अंदर एनिमल्स भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे, हर तरह के जो पानी में रहते हैं या फ्लाई करते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्रीचर. सो यू हैव टू टेल वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट द फॉलोइंग क्रीचर्स. वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए एग्जाम्पल के लिए पहले से किया गया. लाइक अ हनी बी, जो मधुमक्खी जिसे आप कहते हैं, कैन रिमेम्बर फेमिलियर फ्लावर्स. मधुमक्खी जो होती है वो फेमिलियर मीन्स एक जैसे दिखने वाले फूलों के बारे में, जो उससे कंसर्न्ड है फ्लावर, जिनसे वो परिचित है, उन फूलों के बारे में वो याद रख लेती है. एक जैसे दिखने वाले रेड 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 कलर के फ्लावर्स होंगे, वो फेमिलियर है उनसे, तो वो उन्हें पहचान लेगी. ठीक है. सो दिस इज वन अमेजिंग फैक्ट और अमेजिंग फीचर अबाउट हनी बी. नाउ यू हैव टू टेल वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट व्हेल, वन अबाउट एंट एंड वन अबाउट अ कैट. व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट दीज एनिमल्स, एक बार पहले मैं बहुत पहले पढ़ रही थी, सो बहुत अमेजिंग सी इनके बारे में मुझे बातें पता चली. पता चला था कि अ व्हेल कैन होल्ड इट्स ब्रीथ फॉर 20 मिनट्स, मीन बिना सांस लिए वो 20 मिनट्स तक रह सकती है. दिस इज एन अमेजिंग फैक्ट अबाउट अ व्हेल. ऑलराइट. सो ऐसे ही पहले मैं आपको बता देती हूँ, डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल गिव यू द इन राइटिंग. उसके बाद एंट्स के बारे में तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स पता चले. लाइक वन ऑफ द फैक्ट इज, आपको मालूम है जो एंट है वो जब डायनासोर्स थे ना, जिस समय पर डायनासोर्स थे, उस टाइम से ये एंट्स जो है वो पृथ्वी पर मौजूद है. मीन्स कितनी पुरानी इनकी प्रजाति है. एंड अनदर अमेजिंग फैक्ट अबाउट एंट इज कि इनके पास दो स्टमक्स होते हैं. आप सबके पास तो एक स्टमक है ना, लेकिन एंट्स इतनी छोटी होती है, लेकिन फिर भी इनके पास में दो स्टमक्स होते हैं. पेट जो है इनके पास दो होते हैं. यू नो व्हाई? वन इज फॉर हरसेल्फ, एक उसके अपने लिए होता है, और एक दूसरे पेट में जो वो सामान रखती है खाने पीने का, वो उसको दूसरे एंट्स के साथ शेयर करती है. इजंट दिस अमेजिंग फैक्ट? कितनी अलग और अच्छी बात है. सो दिस इज वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट एंट. आई गिव यू इन राइटिंग इज वेल. एंड देन इज द कैट. आपको पता है जो कैट होती है, एक तो कैट के अगर आप ध्यान से देखें ना, तो कैट के जो टोज होते हैं, दो उसके आगे लेग्स हैं, दो पीछे लेग्स हैं. अब उसके आगे वाली जो टोज होती है उसमें तो 10 टोज हैं. ठीक है. और जो उसके पीछे वाला जो पैर होते हैं, लेग्स होती है, उसके अंदर 8 टोज होते हैं. कभी देखने का मौका मिला है आपको? नहीं मिला. तो नेक्स्ट टाइम जब आप कैट को देखें तो आप काउंट कीजिएगा कि कैट के पास में कितने टोज होते हैं. सो कितने होते हैं? अभी तो मैंने, रजनी मैम ने आपको बता दिया, बट यू गो एंड काउंट उसके पैर में. काउंट करने का मौका कभी मिले तो आप काउंट कीजिएगा. सो इसको लिख लेते हैं आप, फिर आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट. सो ये हो गए हमारे आंसर्स. आप चाहें तो इन फैक्ट्स को चेंज करके कोई और फैक्ट्स भी लिख सकते हैं, इफ यू नो. ठीक है. अ व्हेल कैन होल्ड इट्स ब्रेथ फॉर एट लीस्ट 20 मिनट्स के लिए रोक लेती है वो. एंट के दो स्टमक्स होते हैं और कैट के पास 18 टोज होते हैं. ठीक है. ऑलराइट. नाउ लेट्स मूव ऑन.
Now what is task B? अब इसको देखिए, यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आखिरी हिस्सा आपको दिया गया है इस लेसन का और उसके क्वेश्चंस कुछ रिलेटेड दिए गए हैं जो कि आपको आंसर करने हैं। दिस इज फ्रॉम पेज नंबर 29 एंड 30 ऑफ योर हनी ड्यू बुक। ऑलराइट, दिस इज पार्ट 3 वी आर गोइंग टू डू नाउ। कौन सा पार्ट करने वाले हैं? बिल्कुल ठीक, वी आर गोइंग टू डू पार्ट 3 नाउ। नाउ लेट्स रीड दिस। अलोंग इंडियाज कडलोर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. अब ये जो इंडिया का कडलर कोस्ट है, कडलर है तमिलनाडु में, ठीक है, कोस्टल एरिया है कडलर कोस्ट, तो वहां पर उस एरिया में, उस कोस्ट के पास में, जहां पर कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल पैरिश्ड, जहां पर हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, वहां पर उस इलाके में जो बफलोज थी और जो गोट्स थी, जो बकरियां थी, भैंसे थी, डॉग्स थे, वर फाउंड अनहार्म्ड। अनहार्म्ड का मतलब जिनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो वहां पर जो एनिमल्स थे वो बिल्कुल बिना किसी नुकसान पहुंचे वहां पर रहे, जबकि ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो इतने ज्यादा लोग पैरिश का मतलब होता है फिनिश हो गए थे, खत्म हो गए थे, मर गए थे। The Yala National Park in Sri Lanka, this is a national park in Sri Lanka, is home to a variety of animals. होते हैं ना, उनको सुरक्षित करके, संरक्षण करके उनका animals का रखा जाता है। तो श्रीलंका में एक Yala National Park है जहां पर animals को सुरक्षित करके रखा गया है, संरक्षण करके। उसमें कौन कौन से animals हैं? Including elephants हैं वहां पर, ठीक है, leopards हैं, चीता, and 130 species of birds, और 130 जातियां हैं, प्रजातियां हैं किसकी? Birds की। कितनी? 130 species, 130 प्रजातियां हैं। साथ ही साथ में 60 विजिटर्स, कोई फैक्ट आपको जो बताया जा रहा है वो है 60 विजिटर्स जो वहां पर उस पार्क में जो विजिट करने के लिए आए थे, वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच इनसाइड द पार्क। पार्क के अंदर एक बीच है, उसका नाम है पतनंगला बीच। क्या नाम है? पतनंगला बीच। तो वहां पर 60 लोग जो थे वो जैसे वॉश्ड ऑफ हो गए थे, बह गए सुनामी के उसमें, बहाव के साथ में। बट नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड, लेकिन जो एनिमल के कोई भी शव, कार्कसेस क्या होता है? कार्कसेस होते हैं शव, है ना, जो डेड बॉडीज होती हैं, वो कोई एनिमल की कोई डेड बॉडीज वहां पर नहीं मिली थी, एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बफलोज, जो पानी में रहने वाले भैंस होती है, दो सिर्फ उनकी बॉडीज वहां पर मिली थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी हिट की थी उस टाइम, उससे तकरीबन एक घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच। तो वहां पर जब सुनामी आने के एक घंटा पहले लोगों ने ऑब्जर्व किया याला नेशनल पार्क के अंदर, जो 3 एलिफेंट्स हैं वो वहां से भाग रहे हैं। अभी सुनामी आई भी नहीं थी, अभी एक घंटे पहले की बात बता रहे हैं कि वहां पर लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पतनंगला बीच जो है याला नेशनल पार्क में, वहां से जो 3 एलिफेंट्स थे वो पहले ही वहां से भाग खड़े हुए। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाल सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। श्रीलंका का एक जेंटलमैन था, एक अच्छा सभ्य आदमी था, हु लिव्स ऑन द कोस्ट, कोस्टल एरिया में रहता था, गैल के नियर, गैल भी श्रीलंका पे एक बीच है तो उसके नियर वो रहता था, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि दो उसके पास डॉग्स होंगे जिनको कि वो रोज बीच पर जैसे होता है ना उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, जो रोज वो भागने के लिए वहां पर बीच पर ले जाता था तो उन्होंने मना ही कर दिया जैसे। अदरवाइज क्या होता है, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। अदरवाइज जो डॉग्स होते हैं उनको बड़ा मजा आता है, तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हाँ अब हम जाएंगे आउटिंग करने के लिए बाहर, उसने बताया। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन पर, दे रिफ्यूज्ड टू गो, उन्होंने जाने से ही मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। अगर वो उनको जबरदस्ती करके लेके चला भी जाता तो क्या होता, वो खुद भी मर जाता और वो दोनों डॉग्स भी मर जाते। लेकिन इस तरह से मना करके दोनों डॉग्स ने अपने मालिक की भी एक तरह से
जान बचाई। ठीक है ना, समझ आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वी हैव अंडरस्टूड द पैसेज सो वेल एंड नाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें पहला वाला देखिए क्या है। पहला वाला इसमें दिया हुआ है, यहां पर ब्लैंक दिया हुआ है आपको, फिर लिखा है पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज। कौन से पार्क की बात की जा रही है यहां पे? इट इज इन श्रीलंका। बिल्कुल ठीक है, ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है, अभी एकदम से आपने बता दिया। देखो कौन सा पार्क था, याला नेशनल पार्क। पार्क तो लिखा है तो हम यहां पर लिख देंगे याला नेशनल। ऑलराइट, सो द सेकंड वन इज 60- got washed away from the Patanangala beach. Patanangala beach पे 60 क्या wash away हो गए थे, बह गए थे जो लोग बह गए थे जो वहां पर पार्क को विजिट करने के लिए आए हुए थे। तो वो क्या होते हैं जो लोग विजिट करने आते हैं? विजिटर्स। सो विल राइट हेयर विजिटर्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चों विजिटर्स, वी आई एस आई टी ओ आर एस। Alright, so visitors. Then the third one is in Gal, the dogs refused to go to the beach with their master because Gal में dog ने अपने master के साथ दोनों dogs जो थे उन्होंने beach पर जाने से refuse यानी कि मना क्यों कर दिया। First जो है वो दिया हुआ है they were tired, थके हुए थे। दूसरा है they could sense an approaching disaster, उन्होंने जो disaster आने वाला है उसका उन्हें आभास हो गया था। और थर्ड है they were hungry, वो भूखे थे। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। they could sense an approaching disaster, उन्हें आने वाले खतरे का आभास पहले से ही हो गया था। उसके बाद थर्ड वाला है अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी। सुनामी के बाद में एक न्यूज़पेपर का जो रिपोर्टर था वो याला नेशनल पार्क में गया था। सो हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट को कंप्लीट करने में आप लोगों को हेल्प करनी है। ठीक है, ये डाटा देना है आपको, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स कितने थे वहां पे टोटल। बिल्कुल ठीक, टोटल वहां थे 130। ठीक है, उसके बाद में सेकंड दे रखा है हमको नंबर ऑफ विजिटर्स वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच। पतनंगला बीच में कितने जो विजिटर्स थे वो वॉश अवे हो गए थे सुनामी में। बिल्कुल ठीक, 60 विजिटर्स गॉट वॉश्ड अवे। उसके बाद में थर्ड वाला जो दे रखा है वो है नंबर ऑफ एनिमल कैरकेसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क। कितने कैरकेसेस आए थे, वैसे तो लिखा था नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड, पर उसके साथ में ये भी दिया हुआ था कि एक्सेप्ट टू बफलोज, यानी कि टोटल कितने हुए होंगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, टोटल हो गए टू। ठीक है जी, तो ये आ गया टू। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द वर्कशीट वेरी वेल। अब अच्छे से अपनी वर्कशीट को करिए, इसमें जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अच्छे से याद कीजिए, उनको लिखकर देखिए, उनके मीनिंग्स लर्न कीजिए एंड देन कंप्लीट योर वर्कशीट। ऑलराइट, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द सी मैम्स वीडियोज। टेक केयर, बाय।